नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एयरटेल एमएनपी कमीशन के बारे में। दोस्तों एयरटेल की एमएनपी एफआरसी यहां बदल चुकी है, आप सभी को पता है जब एफआरसी बदलती है तो दोस्तों साथ के साथ उनके कमीशन भी बदले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एयरटेल की 3 एमएनपी एफआरसी और उनके पे आउट के बारे में, और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि 4G मोबाइल के लिए क्या कमीशन है, 5G मोबाइल के लिए क्या कमीशन है, और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको एक एमएनपी करने पर कितने रुपए का खर्चा आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयरटेल की सबसे छोटी एमएनपी एफआरसी 199 के बारे में। यदि दोस्तों आप किसी भी ग्राहक का सिम कार्ड एयरटेल में पोर्ट करते हो और 199 वाली एमएनपी एफआरसी लगाते हो, ग्राहक का सिम कार्ड जब चालू होगा तो यहाँ पर आपको 80 रुपए का कमीशन दिया जाएगा आपके लाखों सिम कार्ड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी एमएनपी एफआरसी है 299 रुपए की। यदि आप किसी भी ग्राहक का सिम कार्ड एयरटेल में पोर्ट कर रहे हो और 299 वाली एमएनपी एफआरसी लगाते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको 214 रुपए का कमीशन दिया जाएगा आपके लाखों सिम कार्ड में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तीसरी एमएनपी एफआरसी है 349 रुपए की। यदि आप किसी भी ग्राहक का सिम कार्ड एयरटेल में पोर्ट कर रहे हो, 349 वाली एमएनपी एफआरसी लगाते हो, जैसे ग्राहक का सिम कार्ड पोर्ट हो जाएगा तो आपके लाखों में 245 रुपए का कमीशन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर मेरे एक पुरानी वीडियो में जो है एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर 4G मोबाइल के लिए यदि एमएनपी करते हैं या एक्टिवेशन करते हैं तो क्या यहाँ पर कमीशन बदला जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे या ज्यादातर एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है रिटेलर को कि 4G मोबाइल के लिए यदि एक्टिवेशन करते हो तो क्या कमीशन है, यदि 5G मोबाइल के लिए आप एक्टिवेशन करते हो तो क्या कमीशन है। और इसी हिसाब से दोस्तों एमएनपी को लेकर, यदि 4G मोबाइल के लिए एमएनपी करोगे तो क्या कमीशन है, और यदि आप 5G मोबाइल के लिए एमएनपी करोगे तो उसका क्या कमीशन, अभी इसके बारे में अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आया है। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको सूचित जरूर करूंगा किसी वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर खर्चा कितने आने वाला है एमएनपी करने पर। दोस्तों बात करते हैं 199 वाली एमएनपी एफआरसी के बारे में। दोस्तों 199 वाली एमएनपी एफआरसी पर 80 रुपए का आपको कमीशन मिला है, तो यहां पर टोटल खर्चा आता है आपका 119 रुपए का 199 वाली एमएनपी एफआरसी पर। अभी बात करते हैं 299 वाली एमएनपी एफआरसी के बारे में, तो यहां पर 214 रुपए का आपको कमीशन है, तो यहां पर 299 वाली एमएनपी एफआरसी पर आपको 85 रुपए का खर्चा आ रहा है। अभी बात करते हैं कि 349 वाली एमएनपी एफआरसी पर आपको 245 रुपए का कमीशन है, तो यहां पर आपको खर्चा पड़ जाता है 104 रुपए का। तो दोस्तों आप जो है अपने हिसाब से एमएनपी कर सकते हैं कि आपको किस ग्राहक से कितना पैसा लेना है। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके सर्कल में इस हिसाब से कमीशन दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मैं लेता हूं इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।